कहानी की शुरुआत में एरियल की बेटी मेलेडी को दिखाया जाता है, जिसे लेकर एरिक और एरियल समुद्र में सबसे मिलवाने जाते हैं। पूरे समुद्र में जश्न का समा होता है। सब मेलेडी से मिलने समुद्र के ऊपर आ जाते हैं। एरियल के फादर किंग ट्राइटन मेलेडी को देखकर बहुत खुश होते हैं और मेलेडी को एक लॉकेट देते हैं, जिस पर मेलेडी का नाम लिखा होता है। लॉकेट का पेंडेंट मरीन लाइफ दिखाता है ताकि मेलेडी को उसका समुद्र से ताल्लुक याद रहे। तभी वहाँ पर मोर्गाना आ जाती है। वो अपनी बहन का बदला लेने के लिए एरियल के हाथों से मेलेडी को छीन लेती है। मोर्गाना किंग ट्राइडेंट से उसका ट्राइडेंट मांगती है ताकि वो पूरे समुद्र की शक्तियां ले सके। किंग ट्राइडेंट उसे ट्राइडेंट देने पर तैयार हो जाते हैं, लेकिन मोर्गाना मेलेडी को एक शार्क के मुंह में डालने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एरियल एरिक की तलवार लेकर रोप को काट देती है। मेलेडी नीचे गिरने लगती है, पर तभी एरिक उसे बचा लेता है और किंग ट्राइडेंट शार्क को एक छोटी फिश बना देता है। मोर्गाना जाते हुए चेतावनी देती है कि वह वापस आके मेलेडी को ले जाएगी। यह देखकर सब जने डर जाते हैं और एरियल किंग ट्राइडेंट को कहती है कि जब तक मोर्गाना समुद्र में है तब तक वह समुद्र में नहीं आएंगे, क्योंकि समुद्र में अब बहुत ज्यादा खतरा है। और एरियल उसके पापा का दिया हुआ लॉकेट उन्हें वापस कर देती है। किंग ट्राइडेंट मान जाता है और दुखी होकर वहां से चला जाता है और वह मेलेडी का लॉकेट समुद्र में ही फेंक देता है और सेबेस्टियन को एक बार वापस मेलेडी की जिम्मेदारी सौंपता है। साथ ही मेलेडी की सुरक्षा के लिए समुद्र और महल के बीच में एक दीवार खड़ी करवा दी जाती है। टाइम गुजरता है, 12 साल बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि सब लोग मेलेडी के बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं और मेहमान भी आ चुके थे, केक भी तैयार था, मगर मेलेडी नहीं मिल रही थी। एरियल उसे सभी जगह ढूंढ लेती है मगर वह कहीं नहीं मिलती है। अब सीन शिफ्ट होता है मेलेडी पर, जो कि समुद्र में सेबेस्टियन एंड स्क्वेटल के साथ थी। मेलेडी को समुद्र बहुत ज्यादा पसंद था, मगर एरियल ने उसे समुद्र में जाने से मना कर रखा था, इसलिए वह छुप कर समुद्र में जाकर वहां से चीजें इकट्ठा करती थी। सेबेस्टियन मेलेडी को समझाता है कि उसे महल वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि एरियल उसे ढूंढ रही होगी, मगर मेलेडी नहीं मानती। समुद्र में सी शेल्स इकट्ठे करते हुए उसे अचानक कुछ चमकता हुआ नजर आता है, जो शेल पेंडेंट वाला लॉकेट था जिस पर उसका नाम था। वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ मोर्गाना बहुत सारे जादू करके शार्क पर ट्राई करती है, जिसे किंग ट्राइडन ने छोटी फिश बना दिया था, मगर वह कभी स्नी हॉर्स बन जाता था तो कभी स्नैक, मगर वह दोबारा शार्क नहीं बनता। मोर्गाना हार मानने ही वाली होती है, पर तभी मेलेडी वह लॉकेट खोलती है और मोर्गाना को मेलेडी नजर आने लगती है। मोर्गाना बहुत खुश हो जाती है और वह यह जान जाती है कि मेलेडी को समुद्र से कितना प्यार है, और वह एक प्लान बनाती है कि वह मेलेडी को अपना दोस्त बनाकर किंग ट्राइडन से उसका ट्राइडन लेना चाहती है। मेलेडी पानी के रास्ते से छुपते हुए अपने महल के अंदर जा रही होती है। रास्ते में वह कुछ मेहमानों से टकराती है जो उसे बहुत अजीब समझते हैं, क्योंकि मेलेडी फिश से बातें करती है। मेलेडी यह सब सुन लेती है और बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वह एरियल मैक्स के साथ उस रास्ते पर पहुंचती है जहां से मेलेडी महल में आई थी, और वहां पर पानी में पांव रखकर एरियल अपने फादर को याद करती है और बहुत अच्छा फील करती है। तभी उसे मेलेडी की आवाज आती है, जो अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। एरियल आवाज सुनकर ऊपर आने का कहती है और मेलेडी तैयार होते हुए अपने ऊपर बो बांधती है, जिसमें सेबेस्टियन फंस जाता है। एरियल ऊपर आकर मेलेडी के बाल बनाती है। वह देखती है कि मेलेडी चिंतित है और वह उससे वजह पूछती है, मगर तभी एरिक आके उसे नीचे ले जाता है जहां पर सभी मेहमान होते हैं। पार्टी में एक लड़का उससे डांस करने के लिए पूछता है और वह उसके साथ डांस करने लगती है। जब वह लड़का मेलेडी की कमर पे हाथ रखता है तो सेबेस्टियन उसे काट लेता है और वह चीखे मारने लगता है, जिससे हलचल हो जाती है और वह गिर जाता है, जिससे मेलेडी का बर्थडे केक खराब हो जाता है, मगर वह यह सब जानबूझकर नहीं करता। सब मेलेडी पे हंसने लगते हैं और वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वह उसी लॉकेट को लिए रो रही होती है। तभी एरियल वहां आती है और मेलेडी एरियल को वह लॉकेट दिखाती है और समुद्री जीवन का पूछती है। एरियल लॉकेट देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और पूछती है कि यह कहां से मिला, मगर मेलेडी नहीं बताती। एरियल मेलेडी को बहुत ज्यादा डांटती है कि उसे दीवार के उस पार नहीं जाना चाहिए था, मगर वह फिर गई। मेलेडी रोने लगती है और लॉकेट लेकर वहां से भाग जाती है। तभी एरिक वहां आता है और एरियल को समझाता है कि मेलेडी को सब कुछ सच सच बता दो। एरियल मेलेडी को सब कुछ बताने का निर्णय लेती है। तभी वहां पर सेबेस्टियन आता है और एरियल को बताता है कि मेलेडी
कश्ती लेकर समुद्र में भाग गई है। एरियल बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है और वह एरिक को लेकर उसे ढूंढने निकल जाती है। दूसरी ओर मोर्गाना यह सब कुछ देख रही थी। वह अपनी फिश को एरियल को बुलाने के लिए कहती है। फिश मेलेडी को यह बोलती है कि मोर्गाना ही है जो तुम्हारी मदद कर सकती है और उसे मोर्गाना के पास ले जाती है। मोर्गाना मेलेडी को बताती है कि वह मेलेडी की सारी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। मेलेडी मरमेड बनने की ख्वाहिश करती है तो मोर्गाना उसे मरमेड बना देती है जादू से। मेलेडी यह देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। एरियल और एरिक किंग ट्राइटन को सारी बातें बताते हैं। किंग ट्राइटन एरियल को वापस मरमेड बनकर समुद्र में आने के लिए कहता है ताकि वह मेलेडी को ढूंढ सके। एरियल मरमेड बने समुद्र में जाती है जहाँ सब उसे देख बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी ओर मेलेडी समुद्र में घूमती हुई बहुत ज्यादा खुश होती है, मोर्गाना का थैंक यू करती है, मगर मोर्गाना उससे कहती है कि वह उसके फिंग्स को ज्यादा देर तक नहीं रख सकती है। अगर वह हमेशा के लिए मरमेड बनना चाहती है तो उसे किंग ट्राइडन से ट्राइडन लेकर आना होगा जो किंग ने मोर्गाना से चोरी किया था। मेलेडी मान जाती है और ट्राइडन लेने निकलती है जहाँ वह टिप और डैश से मिलती है। टिप एक पेंगुइन था और डैश एक वॉलरिश था। मेलेडी उनसे अटलांटिका का रास्ता पूछती है, तब वह दोनों भी उसके साथ चले जाते हैं। दूसरी ओर किंग ट्राइडन और एरियल मेलेडी की वजह से बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। तभी एरियल फ्लॉन्गी से मिलती है जिसके अब बहुत सारे बच्चे थे। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मेलेडी महल पहुंच जाती है और देखती है कि किंग ट्राइडन बहुत ज्यादा उदास है। उसे किंग ट्राइडन चोर नहीं लगता, मगर वह फिर भी ट्राइडन चुरा लेती है और गलती से उसका लॉकेट वहीं गिर जाता है। जब एरियल यह देखती है तो वह समझ जाती है कि ट्राइडन मेलेडी ने चुराया है, क्योंकि ट्राइडन होल्डर से कोई फैमिली मेंबर ही ट्राइडन निकाल सकता था। मेलेडी ट्रिक और डैश को किनारे पर छोड़कर मोर्गाना के पास चली जाती है। अब एरियल मोर्गाना को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है जहां पर मेलेडी भी थी। मेलेडी उसे मरमेड देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। एरियल उसे ट्राइडन वापस देने का कहती है, मगर मोर्गाना उसके कान भरती है और कहती है कि तुम्हारी मदर ने तुम्हें धोखा दिया है और तुमसे बहुत सारी चीजें छुपाई है। मेलेडी गुस्से में ट्राइडेंट मोर्गाना को दे देती है। मोर्गाना एरियल को पकड़ लेती है और फिर बाद में मेलेडी को बताती है कि उसने अपने ग्रैंडफादर से ही ट्राइडेंट चुराया है। वो उसे और फाउंडर को बंद कर देती है और साथ ही मेलेडी को बताती है कि सनसेट होते ही वह इंसान बन जाएगी और समुद्र में मर जाएगी। मेलेडी यह सब सच जानकर बहुत ज्यादा रोती है। वह सोचती है कि उसने बहुत ज्यादा गलत किया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि टिप और डैश को यह लगता है कि मेलेडी बहुत ज्यादा मुश्किल में है और वह उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं। एरिक भी समुद्र में आता है और एरियल को छोड़ने का कहता है, मगर मोर्गाना उसकी शिप तोड़ देती है और मोर्गाना की फिश उसे पानी में ले जाती है ताकि वह मर जाए, मगर एंड मौके पर सबिस्टिन वहां आकर उसे बचा लेता है और एरियल खुद को छुड़ाकर एरिक को किनारे पर ले जाती है। वहां पर टिप और डैश भी पानी में चले जाते हैं और शार्क उनके पीछे पड़ जाती है। वह शार्क के ऊपर बैठकर उसे आइसबर्ग से टकराते हैं जहां मेलेडी बंद थी। अब मेलेडी इंसान बन जाती है और वह किनारे पर आ जाती है जहां वह अपने मदर और फादर को भी देखती है। मोर्गाना सभी समुद्री जीवों को अपने चंगुल में लेने के लिए विवश कर देती है ताकि सभी लोग उसके सामने झुके। सभी लोग मोर्गाना के सामने झुक रहे थे, तभी मेलेडी को एक आता है कि वो तो इंसान है, इसलिए वह मोर्गाना के जादू के असर में नहीं आ सकती। मेलेडी चट्टान पर चढ़ती है जहां पर मोर्गाना खड़ी थी और मोर्गाना से ट्राइडेंट छीन लेती है और खुद चट्टान से गिरते हुए ट्राइडेंट अपने ग्रैंडफादर की तरफ फेंक देती है। डैश मेलेडी को चोट लगने से बचा लेता है। किंग ट्राइडेंट मोर्गाना को आइस में कैद करके उसे समुद्र में फेंक देता है। सब सही होने पर किंग ट्राइडेंट मेलेडी को ऑफर करता है कि वह मरमेड बनकर उसके साथ चल सकती है, मगर मेलेडी उसके पेरेंट्स को देखकर कहती है कि उसके पास बेटर आइडिया है और ट्राइडेंट लेकर महल की दीवार तोड़ देती है ताकि इंसान और समुद्र के जीव मिलजुल करके रहे। अब जो लोग मेलेडी का मजाक उड़ा रहे थे वह सब मरमेड पीपल्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रहते हैं, बाकी सब पानी में बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। इसी के साथ हमारी स्टोरी खत्म होती है।